हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स चैप्टर 8 की डेसिमल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करने से पहले आपको प्लेस वैल्यू टेबल पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। चलिए पहले हम प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं। ऐसे बनेगा ये प्लेस वैल्यू टेबल। ओके, सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो ये डेसिमल लगा है, ठीक है। जो नंबर्स इस डेसिमल की लेफ्ट वाली साइड पे है, मतलब सबसे पहले क्या है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 5 है ना, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, वंस। ये डेसिमल है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, वंस। उसके साथ फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, ऐसे ही आगे आगे चलते रहते हैं। यहाँ पे तीन नंबर तक है, 100 तक है, तो यहाँ पे भी हम 100 लिख लेते हैं, 100, ठीक है। मतलब क्या, 100th प्लेस पे। इसके साथ होता है यहाँ पे 10th, मतलब 10th प्लेस पे। फिर होता है वंस, मतलब वंस प्लेस। यहाँ पे होता है 10th, TENTH, 10th, 10th का मतलब होता है 1/10, ठीक है। फिर होता है 100, 100 का मतलब होता है 1/100। उसके बाद आता है 1000, और इसका मतलब होता है 1/1000। स्टूडेंट्स, एक बार बिल्कुल ये आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर 100 है इसका मतलब क्या होता है, 100 का मतलब 100, 10 का मतलब 10, 1 का मतलब 1, 10th का मतलब क्या होता है, 1/10। अगर 10 लिख के पीछे TH लिखा है, 10th लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/10। 100 है, पीछे TH है, इसका मतलब क्या होगा, 1/100। ऐसे 1000 का मतलब क्या होगा, 1/1000। ये बात आपको याद रखनी है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बात यूज होगी कि 10th मतलब 1/10, 100th मतलब 1/100। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के पीछे TH लग रहा है, 1000 के पीछे TH लग रहा है, 100 के पीछे TH, 10 के पीछे TH, इसका मतलब से डिवाइड में लिखना है। अगर सिंपल है 100 टेंस वंस, तो सिंपल लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 19.4। आपको क्या देखना है, ये डेसिमल, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर क्या है, 9 है। डेसिमल की लेफ्ट साइड देखनी है पहले, 9 है ना, तो जो डेसिमल की लेफ्ट साइड में सबसे पहले नंबर होगा उसे हम लिखेंगे वंस वाले बॉक्स में, ठीक है। डेसिमल की लेफ्ट साइड में जो नंबर सबसे पहले है वो होगा वंस वाले बॉक्स में। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये पूरा नंबर उतार देना है। देखो ये क्या है, 194 है ना, तो 9 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार ये पहचानना है कि वंस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद नंबर लिख देना है 194। देखो 194 बन गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे क्या है, 0, मतलब वंस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 0। अभी हमारे पास नंबर क्या था, 03, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3। ऐसे ही अगला देखो, यहाँ पे क्या है, 10.6 डेसिमल है, जो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सबसे पहले 0 है, मतलब वंस वाले बॉक्स में 0 आएगा। अभी नंबर क्या है, 106, तो देखो यहाँ पे 106 नंबर बन गया। बिल्कुल इसी तरह होगा इसका लास्ट वाला पार्ट, ये क्या है, 205.9। अभी ये देखो 5 है, वंस वाले बॉक्स में लिख दो इसको, नंबर क्या है, 2059, तो पूरा नंबर बना, देखो 59 बन गया। क्या था ये, 2059 नंबर। ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन लिखना है, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना, और ऐसे क्या बन जाएगा आपका, ये प्लेस वैल्यू टेबल। एक बात आपको फिर से बोल रही हूँ, आपको याद रखनी है, अगर 10th है तो 1/10 आएगा, 100th है तो 1/100 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये हमें नंबर्स नहीं हुए, हमें इसको क्या लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, 7, 10, यहाँ पे दो दो नंबर्स आपको दिए होंगे, आपको देख के करना है क्या है, 7 पहले क्या लिख लिया, 7, 7 के साथ क्या लिखा है, 10th। मैंने आपको बोला था अगर किसी भी नंबर के पीछे TH आएगा तो हमने क्या करना है, उसको 1/10 के, 1/10 होता है उसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 7/10। अभी पीछे 0 है यहाँ पे, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो क्या आ गया आंसर, 0.7। आगे क्या है, 2 tens का, देखो 2 tens का मतलब क्या होता है, सिंपल 10, मतलब 2 × 10, एंड का मतलब हमने लगाना है प्लस 9 tenths, ये क्या हो गया, 10th, ठीक है। तो 2 × 10 कितना हो गया, 20, प्लस ये कितना आएगा, 9,
9 अपॉन 10, उसके बाद 20 प्लस इसका डेसिमल लग जाएगा 0.9, तो आंसर कितना आ गया 20.9। ठीक है, आगे क्या है 14, सिंपल लिखा हुआ है देखो 14.6, इजी था ये तो। अगला देखो 100 मतलब क्या, 100 डाल दिया, एंड का मतलब क्या लगेगा प्लस 2 ones का मतलब क्या होता है 1, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, तो 100 प्लस 2 कितना आ गया इसका आंसर 102, इजी था बिल्कुल। इसके बाद है इसका ई पार्ट, वो भी बिल्कुल इजी है, वो क्या 600.8, सिंपल क्या लिखना है 600 लिखना, डेसिमल डाल के क्या लिख देना है 8। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।